स्वागत है साथियों आपका हमारी एकेडमी में। भारतीय राज्य व्यवस्था पे हम बात कर रहे हैं और आज जो हम बात करेंगे भारतीय जो संविधान है उसके स्रोतों पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में चीजें उस पर हम बात करेंगे। तो साथियों भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश काल में आया था भारत शासन अधिनियम 1935। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद या तो शब्दशः लिए गए हैं और या उनमें कुछ परिवर्तन करके भारतीय संविधान में लिया गया है। ये भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं 250 अनुच्छेद और जो 395 अनुच्छेदों में समाहित है। साथ ही साथ विदेशी स्रोतों से भी हमने अपने संविधान में चीजें ली हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा, ठीक है ना, तो इत्यादि देशों से हमने लिए हैं। तकरीबन 9 देश हैं जिनसे हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि जैसे पूछ लेगा कि वित्तीय आपात, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, या न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन सीधे बनता है और आपको एक बार अगर आपने ढंग से देख लिया तो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो ध्यान दें यूएसए के संविधान से हमने लिया है, एक तो मौलिक अधिकार हमने लिया है, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, ठीक, एक हमने लिए हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, हमने यहां से लिए हैं उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, और हमने यहां से लिया है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक, हमने यहां पर लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, पर महाभियोग, ठीक, जो प्रक्रिया है वो हमने यहीं से ली है यूएसए के संविधान से, ठीक, और हमने जो इस देश के संविधान से और लिया है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, सर्वोच्चता भारत में जो संविधान की है, कहा जाता है ना भारत संविधान सबसे ऊंचा है, भारतीय संविधान का हम सम्मान करते हैं सभी लोग कहते हैं, तो ये चीजें इसमें हमने ली हैं। साथ ही साथ न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उच्च और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है, को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए के संविधान से ली है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्र, कहते हैं ना न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उस पर कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने यूएसए के संविधान से ली है, ठीक। और साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, इन्हें हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, तो ये सारी की सारी चीजें हमने यूएसए के संविधान से ली। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, ये क्वेश्चन सीधे बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्वेश्चन भी निरंतर बनता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक। वित्तीय आपात, ये क्वेश्चन ऐसे कि जिन्होंने आना ही आना है, ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अमूमन प्री एग्जाम में या जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं निरंतर, ये आप पाएंगे पेपर उठा के तो इनमें से क्वेश्चन दिखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन खासा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपात पूछा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया भी पूछा जाता है, किस क्वेश्चन बनेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने ये सारी की सारी
चीज़ें हमने ले रखी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे हम करेंगे ब्रिटेन की बात। तो ब्रिटेन से जो हमने ली है, ध्यान दें, ब्रिटेन से एक तो हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली। क्या ली है? संसदात्मक शासन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, और जबकि राज्यों में जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, सर्वोच्च, और उसके बाद विधानसभा या विधानमंडल, ठीक है ना। और साथ ही साथ एकल नागरिकता, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता ब्रिटेन की तरह भारत में है, एकल नागरिकता का प्रावधान, और साथ ही साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो संसद में जिस प्रक्रिया द्वारा कोई नियम बनता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, तो वो बिल कैसे एक्ट बना, उसके जो प्रक्रिया है, वो सारी की जो प्रक्रिया होती है हमारे संसद की, वो सारी ली है हमने ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये अमूमन पूछा जाए, एकल नागरिकता मतलब राज्यों को, राज्य के लिए अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं, देश का नागरिक है तो एक ही नागरिकता लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कि यूएसए का भी नागरिक होना चाहिए और उसके प्रांतों का भी नागरिक होना चाहिए, ठीक। तो ब्रिटेन से हमने ली है संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, एकल नागरिकता ली है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने ली है, ध्यान दे, एक तो हमने ली है डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने यहां पे लिया है आयरलैंड के संविधान से। ये चीज का हमें ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, तो अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, ये भी हमने लिया है आयरलैंड से। अच्छा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा में जो 245 हैं उनमें से 12 सदस्य, ध्यान दें, ये जो 12 सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से रहते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से जो रहते हैं उनको, तो वो हमने लिया है। वो प्रक्रिया कहाँ से ले रखी है? आयरलैंड से। और सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, ये सीधे क्वेश्चन बनता है ये वाला, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया है हमने, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमने लिया है कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है ना, प्रस्तावना जो हमने कल बात की थी, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो हमने कहा था ना हम भारत के लोग, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है पूरी भाषा, ठीक है। साथ ही साथ समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, जिसमें क्या होता है कि इस सूची के विषयों पर आगे हम चर्चा करेंगे, इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र ने अगर बना लिया है इस पर तो केंद्र का ही कानून माना जाएगा पहले, ठीक है ना, समवर्ती सूची के विषय पर, तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक। समवर्ती सूची का प्रावधान, इसके साथ साथ आगे जो दिया है वो, ये दो इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है, समवर्ती सूची का प्रावधान ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो लिया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र राज्यों के बीच, केंद्र राज्य संबंध समझ लीजिए, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। तो ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची अमूमन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है जर्मनी के संविधान से, ठीक है ना,
जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि जो आपातकाल लगता है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों से संबंधित, राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रपति की शक्ति, यानी जो मूल अधिकार हैं वो पता है, वो आपातकाल में सस्पेंड रहते हैं 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे अधिकार जो हैं वो बिल्कुल उनका निलंबन किया जाता है, ठीक है ना, वित्तीय आपात के दौरान। तो ठीक है, जर्मनी से यही हमने लिया है। कनाडा से देखिए, कनाडा के संविधान से जो हमने लिया है, कनाडा से पहले हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये पूछा जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन सीधे बनता है, संशोधन की प्रक्रिया, और ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, और ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ये भी सीधे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं रूस से, रूस के संविधान से जो हमने लिए हैं वो लिए हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, 51 क है, उसमें वर्णित है ये मूल कर्तव्य, और ये हमने वहां से लिए, और क्वेश्चन सीधे बन जाता है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 51 क या 51A में वर्णित है, ठीक है ना, 11 जो मूल कर्तव्य है वो रूस से हमने लिए हुए हैं, ठीक है ना। जापान के संविधान से हमने क्या लिया? जापान के संविधान से हमने लिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, ये हमने लिया जापान के संविधान से, ठीक है ना। तो ये हमने लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो कनाडा की है, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा के संविधान से हमने लिया है एक तो संघात्मक विशेषताएं, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है ना, संघ और राज्यों के बीच विभाजन। तो कनाडा के संविधान से भी देख लीजिए, कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया,